हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं डॉक्टर उमाशंकर सिंह, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का टॉपिक है अफारा, जिसे कि फ्लैचुलेंस के नाम से जानते हैं। फ्लैचुलेंस कहें तो पेट में बहुत ही ज्यादा गैस बन जाती है। आपके जो आंत होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों में बहुत ज्यादा गैस बन जाती है। उसके साथ साथ आमाशय में भी बनता है, आमाशय जिसे स्टमक बोलते हैं, यानी कि इन सबों में गैस बन जाती है तो आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आपके पेट में ज्यादा दर्द होने लगती है, आप परेशान रहने लगते हैं, आपको दर्द इतना होता है कि आप सहन नहीं कर पाते हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी तो इतना ज्यादा दर्द होता है कि आप जमीन पर लेटने लगते हैं, कि बहुत ज्यादा दर्द है, वो असहनीय दर्द होता है। तो आपको इसमें ट्रीटमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, कि अगर आप मेडिसिन लेंगे तो आपको आराम मिलेगा। तो साथियों, इसमें जो होता है कि जब हवा खुलती है, यानी कि जब लाइटिन के रास्ते गैस निकलती है, तो आपको कुछ रिलीफ मिलता है। उसके साथ साथ कभी कभी मुंह के रास्ते जो डकार आती है तो गैस निकलती है, तो उससे भी आपको थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन आपको इसमें दवाओं की बहुत ही सख्त जरूरत होती है कि आपको इसमें दवा लेना ही चाहिए। साथियों, इसमें जो है कि पेट इतना ज्यादा फूल जाता है, तना रहता है, कि आपको बहुत ही ज्यादा गैस का सामना करना पड़ता है, यानी कि दर्द का सामना करना पड़ता है। साथियों, गैस जो है पाचन तंत्र की जो नली होती है उसी में बनती है। नली कहें तो जो आपका एक ओएसोफेगस से होते हुए स्टमक, ड्यूडेनम, फिर छोटी आंत, फिर आपकी बड़ी आंत, फिर उसके बाद एनस के रास्ते जो खुलता है वहां पे। साथियों, कभी कभी होता है कि जो आपकी बड़ी आंत होती है, जब आप अल्ट्रासाउंड कराने जाएंगे तो सोनोलॉजिस्ट लिख के दे देता है कि आपकी आंतों में जो लैटिन है वो रुकी हुई है, यानी कि जो आपका लैटिन है वो बाहर नहीं निकल रहा है, आपकी बड़ी आंत में फंसा हुआ है। तो इसको जो है सोनोलॉजिस्ट लिख के देता है कि लोडेड बावेल लूप्स, यानी कि जो आपका बावेल लूप्स है उसमें जो है कि लैटिन रुकी हुई है, जिससे आपकी समस्या ज्यादा हो रही है। तो अगर आपकी लैटिन रुकती है, आपकी आंतों में फंसती है, तो आपको बहुत ही ज्यादा गैस बनेगी, जिससे कि आपको परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। तो साथियों, इसका ट्रीटमेंट होम्योपैथी में मैं आपको बता रहा हूं, जिससे कि बहुत ही बेहतर रिलैक्स आपको मिलता है और आपको बहुत ही बेहतर आराम मिलता है। लास्ट में एक मेडिसिन बताऊंगा जिसको कि आप यूज करेंगे इन दवाओं के साथ में, जो मैं मेडिसिन बताऊंगा पहले, उसके बाद जो लास्ट में एक मेडिसिन बताऊंगा उसको सभी दवाओं के साथ में जो आपका सिम्टम मैच करे उसको लेते हुए, उस दवा को भी उसके साथ साथ लेंगे तो आपको बहुत ही बेहतर रिस्पांस देखने को मिलेगा। तो चलिए ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहली मेडिसिन आती है कार्बोवेज। गाइस, जो कार्बोवेज होती है, अगर आपके स्टमक में कहें तो जो आपका आमाशय है, अगर गैस बनी हुई है, तो बहुत बेहतर रिस्पांस देखने को मिलता है। यदि रोगी के पेट के ऊपरी भाग में वायु जमा हो और सांस लेने में कष्ट हो, या कलेजे में जलन हो, पतले दस्त आ रहे हो, उपचार करने के लिए कार्बोवेज औषधि की आपको 30 पावर में लेना चाहिए। 30 पावर में दो दो बूंद सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम ले तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। इसमें आपको 3x भी लेंगे तो बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। साथियों, उसके बाद दूसरी मेडिसिन आती है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम मेडिसिन जो होती है आपकी पेट में गैस बनने की समस्या को भी सॉल्व करती है। पेट के तल में वायु जमा होने पर, जैसे कि आपके पेट के निचले हिस्से में, यहाँ पे निचले हिस्से में गैस बनती है, लेकिन जो मैंने कार्बोवेज बताया है वो यहाँ पे ऊपरे हिस्से में दर्द होती है, यानी कि गैस ऊपरे हिस्से में ज्यादा बनती है, तो आपको कार्बोवेज लेना है। अगर निचले हिस्से में बनती है तो उसमें आपको लाइकोपोडियम मेडिसिन लेना है। पेट के तल में वायु जमा होने के साथ कब्ज की समस्या रहने पर चिकित्सा करने के लिए लाइकोपोडियम की आपको 30 पावर में लेके आना है, और उसको आपको दो दो बूंद सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम यूज करना है, जिससे कि बहुत ही बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तीसरी मेडिसिन आती है कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड कहें तो पेट फूलने के साथ ही डकारें आ रही हो तो रोग को ठीक करने के लिए कार्बोलिक एसिड औषधि की 3 शक्ति, या फिर कहें तो उसका 30 शक्ति में आप लेकर आए और दो दो बूंद सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम यूज करें। चौथी मेडिसिन आती है गाइज लाइकेसिस। लाइकेसिस मेडिसिन जो होती है, रोगी का पेट फूला रहा हो तथा डकारें आने पर कुछ आराम मिले, जैसे कि आपके पेट में गैस बनी हुई है, डकारें आ रही हैं, लेकिन अगर डकार आ जाए
तो आपको राहत मिल जाती है। तो रोग को उपचार करने के लिए लाइकेसिस औषधि की आपको 30 पावर में लेके आना है, और 30 पावर में 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद शाम को, तीनों टाइम यूज करना होता है। साथियों पांचवी मेडिसिन आती है कैमोमिला। कैमोमिला मेडिसिन पेट में वायु जमा होने के साथ ही डकारे आने पर कुछ आराम मिले तथा नाभि के चारों ओर मरोड़ की तरह दर्द हो रहा हो तो रोगी को ठीक करने के लिए कैमोमिला औषधि की 12 शक्ति यानी 12 शक्ति का यूज करना चाहिए, जिससे कि बहुत ही आराम मिलेगा। लेकिन अगर 12 शक्ति नहीं मिलती है तो आपको 30 पावर में लेके आना होगा। जैसे कि 30 पावर कहीं भी मिल जाती है, जनरली मिल जाया करती है। अगर आप कहीं भी मेडिकल शॉप पे जाएंगे, होम्योपैथिक मेडिकल शॉप पे, तो वहां पे 30 पावर में मिल ही जाती है। तो 30 पावर में 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम, तीनों टाइम यूज करना है। जो मैंने कहा है आपको लास्ट में एक मेडिसिन बताऊंगा तो उसका नाम है साथियों कालरासाल। कालरासाल ड्रॉप आता है, ये कालरासाल बहुत बेहतर गैस के लिए है। इसको भी आपको 10-10 बूंद सुबह, दोपहर, शाम, तीनों टाइम लेना होगा, जिससे कि आपकी गैस की समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो साथियों जाते जाते मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आपको आसानी से मिल जाया करे। और इसको लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशनल मिले और दूसरे लोगों को भी बेनिफिट्स हो। तो गाइज बस इजाजत दीजिए, जय हिंद, धन्यवाद साथियों।